हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और आज आप लोगों के लिए श्रुतिलेख का वीडियो लेकर आई हूँ जो कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है। देखिए, कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए तो स्पेशली ये मैंने बनाया है कठिनता के हिसाब से। करना चाहें तो 6, 7, 8 के बच्चे भी इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी हिंदी किस तरीके की है, आपको कठिन शब्द लिखना आता है या नहीं। तो इमला के वीडियोज बेसिकली कोई भी लिख सकता है, बशर्ते कि आपको उतनी कठिनता वाले शब्द लिखने आते हों। तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जैसा मैं अपने हर वीडियो के स्टार्टिंग में बताती हूँ, लेकिन कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं इसलिए उनको भी बताना जरूरी है। सबसे पहले तो ईयरफोन्स यूज करिए इमला के वीडियोस को सुनने के लिए, ताकि मेरे शब्दों का उच्चारण आपको साफ साफ समझ में आए। राइटिंग बहुत साफ होनी चाहिए, आपको राइटिंग को बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है। पंक्चुएशंस लगाने का ध्यान रखना है, जहां भी कहीं अल्प विराम, पूर्ण विराम या किसी भी तरीके के विराम चिन्ह आते हैं उनको आपको लगाना नहीं भूलना है। और लास्ट में मैं आपको जो लिखी हुई स्लाइड दूंगी उससे अपने लिखे हुए को चेक करना है, जितनी आपकी गलती होगी उनको सर्कल कर लेना है और वीडियो खत्म होने के बाद जितनी टोटल आपने मिस्टेक की हुई है उसको मेरे वीडियो से देख करके हर शब्द को शुद्ध रूप में कम से कम 10 बार लिखना है, ताकि आप भविष्य में उन शब्दों को लिखने में कभी भी गलती ना करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, उसको क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंच जाया करें। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान से देख रहे हैं, भारत के किस शहर से देख रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया देख रहे हैं। वैसे आउट ऑफ इंडिया देखना तो मुश्किल है, हिंदी कौन सीखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए लिखना शुरू करिए। इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा गया है। सारी सृष्टि कर्मरत है, सारी सृष्टि कर्मरत है। छोटे से छोटा प्राणी भी कर्म का शाश्वत संदेश दे रहा है। प्रकृति के साम्राज्य में कहीं भी अकर्मण्यता के दर्शन कहीं भी अकर्मण्यता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सूर्य चंद्र पृथ्वी ग्रह नक्षत्र आदि निरंतर गतिशील हैं, नियमानुकूल सूर्योदय होता है, और सूर्यास्त तक किरणें प्रकाश
किरणें प्रकाश बिखेरती रहती हैं। रात्रिकालीन आकाश में तारावली तथा नक्षत्रावली का सौंदर्य विहंस उठता है। तो अगली दी हुई स्लाइड से आपको अपनी गलतियों को चेक करना है। उससे पहले जो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, आज की वीडियो में कोई टिप और ट्रिक नहीं दे रही हूं, बस इतना ही आपसे कहूंगी कि अपना उच्चारण शुद्ध रखिए। जैसे यहां पर एक लाइन आई थी, कर्म का शाश्वत संदेश दे रहा है। शाश्वत में श को श बोलना है, स को स बोलना है, शाश्वत नहीं बोलना है, शाश्वत बोलना है, संदेश दे रहा है, ठीक है। तो स और श में आपको अंतर आना चाहिए, और अगर उच्चारण में ये अंतर आप नहीं कर पाते हैं तो लिखने में हमेशा गलती करेंगे ही करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने उच्चारण को सही करिए। और किसको ये उच्चारण की समस्या है स और श वाली, तो वो लोग मुझको कमेंट करके बताएं जिनका उच्चारण, जिनका प्रोनाउंसिएशन स और श में शुद्ध नहीं होता, सही नहीं होता, वो कर नहीं पाते हैं, या बचपन से ऐसी प्रैक्टिस की हुई है कि गलत बोलते हैं, वो लोग इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है कि स और श में प्रोनाउंसिएशन में अगर आपकी गलती होती है तो वो भी सही हो सकती है, उसका भी एक तरीका है थोड़ा सा अभ्यास करके, लेकिन उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने लोग हैं जो उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अपने लिखे हुए को चेक करिए। इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा गया है, सारी सृष्टि कर्मरत है, छोटे से छोटा प्राणी भी कर्म का शाश्वत संदेश दे रहा है, प्रकृति के साम्राज्य में कहीं भी अकर्मण्यता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, सूर्य चंद्र पृथ्वी ग्रह नक्षत्र आदि निरंतर गतिशील हैं, नियमानुकूल सूर्योदय होता है और सूर्यास्त तक किरणें प्रकाश बिखेरती रहती हैं, रात्रिकालीन आकाश में तारावली तथा नक्षत्रावली का सौंदर्य विहंस उठता है, क्रमशः बढ़ती घटती चंद्रकला के दर्शन होते हैं। इसी तरह विभिन्न ऋतुओं का चक्र अपनी धुरी पर चलता रहता है। नदियां अविरल गति से बहती रहती हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके जीवन में सक्रियता है। वस्तुतः कर्म से परे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है।
क्रमशः बढ़ती घटती चंद्रकला के दर्शन होते हैं। इसी तरह विभिन्न ऋतुओं का चक्र अपनी धुरी पर चलता रहता है। नदियां अविरल गति से बहती रहती हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके जीवन में सक्रियता है। वस्तुतः कर्म से परे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मनुष्य का जन्म पाकर हाथ पैर तो हिलाने ही होंगे। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने शतायु होने की किंतु कर्म करते हुए जीने की इच्छा प्रकट की थी। इतिहास साक्षी है कि कितने ही भारतीय युवकों ने कर्म शक्ति के बल पर चंद्रगुप्त की भांति शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना की। आधुनिक युग में भारत जैसे विशाल जनतंत्र की स्थापना करने वाले गांधी, नेहरू एवं पटेल आदि कर्म पथ पर दृढ़ता के ही प्रतिरूप थे। दूसरी ओर इतिहास उन सम्राटों को भी रेखांकित करता है जिनकी अकर्मण्यता के कारण महान साम्राज्य नष्ट हो गए
नष्ट हो गए। मनुष्य का जन्म पाकर हाथ पैर तो हिलाने ही होंगे। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने शतायु होने की किंतु कर्म करते हुए जीने की इच्छा प्रकट की थी। इतिहास साक्षी है कि कितने ही भारतीय युवकों ने कर्म शक्ति के बल पर चंद्रगुप्त की भांति शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना की। आधुनिक युग में भारत जैसे विशाल जनतंत्र की स्थापना करने वाले गांधी, नेहरू एवं पटेल आदि कर्म पथ पर दृढ़ता के ही प्रतिरूप थे। दूसरी ओर इतिहास उन सम्राटों को भी रेखांकित करता है जिनकी अकर्मण्यता के कारण महान साम्राज्य नष्ट हो गए। वेद, उपनिषद, कुरान एवं बाइबल आदि सारे धर्म ग्रंथ कर्मठ मनीषियों की ही उपलब्धियां हैं। आधुनिक ज्ञान विज्ञान की गौरव गरिमा उन वैज्ञानिकों की देन है जिन्होंने साधना की बलिवेदी पर अपनी हर सांस समर्पित कर दी। विज्ञान कर्म का साक्षात प्रतीक है। सुख समृद्धि के शिखर पर आसीन प्रत्येक व्यक्ति अथवा जाति कर्म शक्ति का परिचय देती है। वेद, उपनिषद, कुरान एवं बाइबल आदि सारे धर्म ग्रंथ कर्मठ मनीषियों की ही उपलब्धियां हैं। आधुनिक ज्ञान विज्ञान की गौरव गरिमा उन वैज्ञानिकों की देन है जिन्होंने साधना की बलिवेदी पर अपनी हर सांस समर्पित कर दी। विज्ञान कर्म का साक्षात प्रतीक है। सुख समृद्धि के शिखर पर आसीन प्रत्येक व्यक्ति अथवा जाति कर्म शक्ति का परिचय देती है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था स और श वाला अंतर कि आप उच्चारण में उसका अंतर कैसे करें, शुद्ध रूप में आपको उसको उच्चारण करना है। शिमला के वीडियो में बहुत सारी बार शब्द आया है जैसे साक्षात या नक्षत्रावली, साक्षी, इस तरह के शब्द आए हैं जिसमें श बोला गया है। तो कुछ लोग श को छ के रूप में बोलते हैं, जो नहीं बोलना है, जो आपको सही प्रोनाउंस करना है। ध्यान रखिएगा छ और श में जो अंतर है वो इतना है कि छ होता है छ से छतरी और क्ष में दो अक्षर हैं, पहला है क और दूसरा है श। ये एक संयुक्त अक्षर है। इसके ऊपर मैं व्याकरण की एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग सबसे पहले क्या करिए,
कि सीरियल वाइज मेरे इमला के वीडियो को देखिए। अगर आप अभी नए जुड़े हैं, नए सब्सक्राइबर हैं और आपने पुराने इमला के वीडियोस नहीं देखे हैं, नहीं उसको अटेम्प्ट किया है, तो आप करिए ये कि आप सीरियल वाइज मेरे वीडियोस को देखिए और उनको अटेम्प्ट करिए। क्योंकि जो मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ वो बार बार नहीं बताऊंगी, बच्चे बोर भी होते हैं, स्किप करके निकल जाते हैं। तो कोशिश करिए सीरियल वाइज वीडियोस को देखिए, ताकि आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया देखने को मिले, आपको टिप मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने आपको आज की वीडियो में दो चीजें बताई जिसकी आपको आगे से कभी भी गलती नहीं करनी है। स और शा का प्रोनाउंसिएशन में आपको अंतर करना सीखना पड़ेगा। नहीं आता है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको उच्चारण करना नहीं आता है। और दूसरी बात जो है, संयुक्त अक्षर क्ष की तरह ही उच्चारण करना है उसका, ना कि छ। और कैसा लगा आज का वीडियो? इन इमला के वीडियोस को पोस्ट करने का एक और पर्पज है कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मैं आपको सुनाती हूँ, बताती हूँ। अगर आप इमला के पैराग्राफ को लिखने के बाद पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका भविष्य और ज़्यादा उज्जवल हो जाएगा। तो काफ़ी मेहनत करके ये वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दिया करिए, आई होप कर दिया होगा। चैनल पर नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंच जाया करें। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो ज्वाइन बटन है उस पर ज्वाइन क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, और जो वीडियो के नीचे थैंक्स बटन है उससे भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।